दोस्तों ज्ञान गंगा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको हवाई जहाज को एरोब्रिज से कैसे जोड़ा जाता है, हाउ टू एड द एरोब्रिज विद एयरक्राफ्ट। दोस्तों ये वीडियो मैं आपको लेके आया हूँ हमारे चैनल को। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और कॉमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों ये मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये एयरक्राफ्ट है और लगा हुआ है एरोब्रिज से। लैंड ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताऊँगा कि इसको अलग कैसे किया जाएगा, यानी डी अटैच कैसे करेंगे, या जो अलाइन ऑलरेडी एयरक्राफ्ट में हो रखा है तो वो किस तरीके से अलाइन से बाहर आएगा। दोस्तों बने रहे वीडियो में, अभी थोड़ी देर में आपको बिल्कुल ऐसे दिखाऊंगा कि एयरक्राफ्ट को डी अटैच यानी एरोब्रिज से अलग कैसे किया जाता है। दोस्तों आप बने रहिए चैनल को, अब तक ज़रूर देखें, और दोस्तों अभी देखिए तो बस शुरू होने वाला थोड़ी देर में। और अभी ये एक देखिए पुश बैक वैन कहते हैं वो लगा दी गई है इसमें, और देखिए वो उसको अलग कर रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस एरो ब्रिज को अलग कर दिया गया है पुश बैक वैन के द्वारा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा वीडियो आप देखें, ये बिल्कुल अलग हो चुका है। और देखिए एरो ब्रिज आगे को देख सकते हैं आप यहाँ पर। दोस्तों ये एरो ब्रिज है जो एयरक्राफ्ट से अलग करके आपको मैं दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और ये अलग हो चुका है। दोस्तों अब देखिए ये उस वैन अब यहाँ से एयरक्राफ्ट को यहाँ से अलग करके पीछे की तरफ लेके जाएगी। तो दोस्तों ये एक अद्भुत चीज़ है, शायद आपको नहीं पता होगा। अगर हम बस के द्वारा ट्रैवल, अगर हम जहाज़ से उतरते हैं तो कभी कभी बस के द्वारा हमें एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया जाता है, लेकिन कभी कभी जहाज को यानी एयरक्राफ्ट को बिल्कुल एयरपोर्ट के नज़दीक ले आते हैं, जिससे कि एरोब्रिज के थ्रू हम एंट्री एयरपोर्ट के अंदर कर सकते हैं। तो आपने देखा ये अभी पुशबैक वैन है, वो आप जहाज को उस जगह से मूव कर रही है जहाँ पर जहाज स्टैंड होता है, जहाँ सवारियों को उतारता है, पैसेंजर्स यहाँ पर उतरते हैं। तो दोस्तों मैंने ये चीज़ आपको दिखाने की कोशिश की है। वीडियो को तुरंत लाइक करें, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब